हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुंजन किचन में। और आज मैं अचार पापड़ी बनाने के लिए बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो कुछ चटपटा खाने को मन करे तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। यह बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है और बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, और ये मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ली हूँ और 1/4 मैंने यहाँ पे सूजी ली हूँ। तो मैं बारीक वाली सूजी ली हूँ। आप चाहे तो मोटा वाला हो तो आप मिक्सर में चला देंगे तो पतला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी ली हूँ। आप इसके जगह पे रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इसका मैं एक डो बना लेती हूँ। तो मैं मैदा डालती हूँ, उसके बाद ये जो सूजी ली थी उसको, और इसको देखिए जो देसी घी था उसको भी मैं डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे, मैश कर लेंगे। ऐसे करके ऐसे चारों तरफ जैसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। साथ में 1/2 टेबल स्पून नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर ली हूँ। इसमें इतना मॉइन होना चाहिए कि ताकि हाथ में ऐसे बने, तो मतलब मुट्ठी बना जाए। ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आप, तो ऐसे ही इतना मॉइन होना चाहिए। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड की हूँ। तो अब इसके बाद मैं पानी डाल के अच्छे से डो रेडी कर लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो रेडी कर लेना है, ज्यादा गीला नहीं। तो देखिए, एक सख्त डो बन के रेडी हो गया। जैसे रोटी या चपाती का बनाते हैं उसे थोड़ा सख्त इसका डो बनाना है। तो इसको बना के हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 10 मिनट हो गया है। मैं इसलिए ढक के रखी थी कि जो मैं सूजी डाली थी अच्छे से इसमें सेट हो जाए। उसके बाद वापस वैसे ही फिर से इसको थोड़ा सा गूंथ लेंगे। देखिए, मेरे फाइनल डो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इसमें से एक रोल लेंगे और ऐसे बना के रोटी के जैसे ऐसे कर लेंगे। तो इसमें तेल लगा के या फिर सूखा मैदा लगा के भी आप इसको बेल सकती हैं। एक रोटी के जैसे इसको लंबा सा हम बेल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे करके इसको बेल लेंगे। तो देखिए, एक रोटी जैसे इसको पूरा हमको बेल लेना है। उसके बाद इसे फोर्क की सहायता से इसे चारों तरफ फोल्ड कर देना है ताकि हमारा जो पापड़ी है फूले नहीं। तो देखिए, मैंने इसको फोर्क से कर ली हूँ। उसके बाद इस टाइप की ढक्कन से या फिर किसी छोटे चीज से आप छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लेंगे। इसे कट करके निकाल लेंगे जैसे कि आप देख सकती हैं। तो देखिए, मैंने इसे कट करके रेडी कर ली हूँ। तो अब इसको मैं चलती हूँ फ्राई करने के लिए। तो मेरा देखिए तेल भी गर्म है। अब मैं इसमें इसको ऐड करूंगी। ऐसे करके सारे हम इसमें पापड़ी को ऐड कर देंगे और डाल के अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पे इसको हम कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पका लेंगे अच्छे से इसमें। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैं इसको निकाल दूंगी और ऐसे करके सारे पापड़ी को हम रेडी कर लेंगे। देखिए, मेरा पापड़ी पूरा बन के रेडी हो गया है। तो मैं 2 टाइप के पापड़ी बनाई हूँ, एक बड़ा थोड़ा सा और एक मीडियम साइज का। देख सकते हैं जैसे कि कितना अच्छा मेरा पापड़ी बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको चलती हूँ सजाने। तो चलिए, इसको पहले हम दही को बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने दही को अच्छे से इसमें फेंट ली हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी 1 चुटकी। उसके बाद थोड़ा सा मैं 1/2 टेबल स्पून में चीनी इस पर यूज करूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से फेंट ली हूँ। मेरा दही रेडी हो गया है। अब मैं चलती हूँ इसके ऊपर डालने। तो देखिए, अच्छे से कितने अच्छे से मेरा ये बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से इस पर दही को डालेंगे, मीठी दही डालेंगे। मीठी दही डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाली हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैं खट्टा मीठा डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। मैं यहाँ पे हरी चटनी यूज की हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो प्याज कट की थी उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी। ध्यान रहे कि मैंने नमक डाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूंगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला, उसके बाद जीरा पाउडर, उसके बाद ये थोड़ा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च यूज की हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें नमकीन से मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पोमग्रेनेट डाली हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकती हैं या फिर नहीं। ऊपर से थोड़ा सा
ये धनिया मैं ऐड कर देती हूँ। चाट पापड़ी कितना क्रिस्पी बन के रेडी हो गया है तो मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। तो देखिए कितना क्रिस्पी बन के रेडी हो गया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।